तुम्हारी नमाज इस मस्जिद में है, तुम्हारी नमाज खाने काबे में होगी, लेकिन इनके खाने काबे कोई और है। अल्लाह, ये जब जवान हो जाती हैं, इनका खाना काबा बैतुल मामूर है, ये वहां जाके नमाजें पढ़ती हैं, अर्शे मौला में जाके नमाजें पढ़ती हैं, फरिश्तों के साथ नमाजें पढ़ती हैं, नबियों वलियों की रूहों के साथ नमाजें पढ़ती हैं, और ये उस वक्त तक सर नहीं उठाती जब तक अल्लाह जवाब ना दे लब्बैक या अब्दी, उस वक्त तक सर ही नहीं उठाती है। फिर यही चीजें हैं जो तुम्हारे अंदर हैं, यही चीजें हैं नूर से बिल्कुल नूरी हो जाती हैं, जब नूरी हो जाती हैं तो फिर इंसान सोचता है देखिए ऊपर क्या हो रहा है, ये ऊपर प्रवास करती हैं, बैतुल मामूर से भी ऊपर चली जाती हैं, फरिश्ते रोकते हैं नहीं रुकते, कहते हैं जो कुछ भी है बैतुल मामूर से आगे जल जाएगा, और ये बैतुल मामूर से भी आगे चली जाती हैं, वहां पहुंच जाती हैं जहां रब की जात है, जहरी जिस्म से हुजूर पाक वहां पहुंचे, और इन मखलूकों से वली वहां पहुंचते हैं, जब कोई अल्लाह के रूबरू चला जाता है फिर एक दूसरे को प्यार से देखते हैं, फिर अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले, देखते हैं प्यार से देखते हैं, फिर वो अल्लाह के नक्शे उसकी आंखों में आता है, आंखों से उसके दिल में जाता है, जब दिल में जाता है फिर अल्लाह ताला फरमाता है अब तू नीचे चला जा, अब जो तुझे देख ले वो मुझे देख, तेरा शाही मेरा शाही, तीन नबी का सच्चा दाई, बन के मस्त पलंग रहेंगे ये दुनिया वाले तंग रहेंगे, इंसान यहां तक पहुंच सकता है और इंसान पहुंचे हैं, सात सारे हैं, सात जहान हैं, हर जहान से एक एक मखलूक पकड़ के अल्लाह ताला ने इनके जिस्मों में डाल दी और सात ही जनते बनाई, पता नहीं इसको किस जहान की सैर करने का शौक हो, अगर इसको मलकूत का शौक हुआ तो कलब को ताकतवर बना लेगा, अगर जबरूद में जाने का शौक हुआ तो रूह को ताकतवर बना लेगा, अगर इसको शौक हुआ कि मैं अल्लाह को देखूं तो लतीफा अन्ना को ताकतवर बना लेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने सात जनते बनाई, वो एक ही जन्नत काफी थी ना, तो सात जनते क्यों बनाई, तो फिर अगर एक ही जन्नत सात जनतों में एक लोग ही चले जाए, नहीं उसने फिर सात मखलूके बनाए, ये कलब से बात करेगा खुलक का एक किरदार है, ये रूह से बात करेगा दार इस्लाम का, ये सिरी से करेगा दार इकरार का, ये खफी से करेगा अदन का और नहीं का मावा का फर्दो, एक से एक आला जन्नत है। अब लोग कहते हैं हम तो बख्शे जाएंगे, हम भी कहते हैं वो पांच नमाजों से भी जन्नत मिल जाएगी, बल्कि अगर अकीदा तुम्हारा सही है, गुस्ताख ना हो, गुनेगार ही सही हजूर पाक के गुस्ताख ना हो, भले गुनेगार ही सही, हो सकता एक ही दफा उनके नाम को चूम लो, उसी सदके से अल्लाह ताला तुमको बख्श दे, और हमारा अकीदा है गुस्ताख ना हो, कलमा गो हो बख्शा ही जाएगा, लेकिन अब बख्शा तो गया, उधर अल्लाह ताला ने फरमाया कह लोगों ने समझ रखा है हम इनको नेकूकारों के बराबर कर देंगे, बख्शे भी गया, अब नेकूकारों के बराबर तो नहीं हो सकता ना, सबसे जो अदना जन्नत है वो खुल्द है, सबसे अदना इबादत है वो कलब की है, इसने तो कलब की इबादत करी को नहीं, फिर जन्नत में चला गया जन्नतियों का गुलाम बन के रहेगा, कितना पछताएगा। एक हदीस शरीफ में है कि जन्नतियों को जन्नत में जो अफसोस होगा कि जो दुनिया में जो नमा बगैर जिक्र अल्लाह के गुजरा, एक हदीस शरीफ है जो जिक्र नहीं करते थे उनको अफसोस, काश हम कलब का जिक्र करते खुलद के हकदार होते, खुलद वाले कहते काश हम रूह का करते तो दार इकरार में चले जाते दार इस्लाम में चले जाते, हर किसी को एक एक का अफसोस होगा। नारे तकबीर,